आइए मालिक, कहां से आना हुआ है? उत्तर प्रदेश से। पहली बार किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए क्या समाधान चाहते आप? कहां पहली बार आए आप? क्या कितनी बार आ चुके? आओ नजदीक थोड़ा। उठा पटक में बालक का हाथ है क्या? बड़ा वाला बेटा बहुत गुस्साबाज है, ठीक है। तुम्हारे पांव में दर्द रहता है, असहनीय पीड़ा रहती है, बहुत ज्यादा घर में उत्पात मचा हुआ है। बड़ा बालक गलत रास्ते पर है, बुद्धि उसकी विचित्र है, मारता है, सुधर जाएगा, कर्ज भी बना चुक जाएगा, धन तंगी दूर होगी, बालक सतमार्ग पर चलेगा, जाओ घुटना का ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। इसीलिए आए हो आप? हमें मिट्टी लेकर आओ, बालाजी दया करेंगे, मिट्टी लेकर आओ मकान की। आओ एक मिनट में बता रहे हैं हम, एक मिनट में, किसी प्रकार का तंत्र तो नहीं है। राम राम, साधु जी, साधु जी, देवी की उपासना होती है आपके घर पर, किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं है, ना टोटका है ना बंधन है, उसकी मति ही खराब है और समय चक्र आपका 2010 यानी 13 साल से उल्टा चल रहा है, और ये जो केस मुकदमे हैं ये भी किसी तंत्र के कारण नहीं है, भूमिगत कारण है। निपट जाएंगे, पक्ष में हो जाएंगे, पहले बालक सुधरेगा, क्योंकि वो मरने मारने पर तुला है, या तो एकाध को मार देगा, तुम्हें भी 2-3 बार वो पूजे चुका है, पूजा कर चुका तुम्हारी। तो हम पहले करेंगे उसके लिए उपाय, इसके बाद करेंगे शेष उपाय। कवच देंगे, उसका फोटो दो तुम, मंगलवार को पेशी पूरी करो, सुंदर कांड बालाजी को सुनाओ। एक उपाय तुम्हें करना है, उपाय में तुम्हें सोमवार के दिन बड़े वाले बालक के नाम से देवी माता को 108 नींबुओं की माला चलानी। फिर से सुनो, बाद में हमें ध्यान नहीं रहता, जब तक सिग्नल है तब तक। 108 नींबुओं की माला सोमवार के दिन देवी माता को बड़े वाले बेटे की क्रोध शांत करने के लिए चढ़ानी है। ऐसा आप करेंगे, बालक का आवेश शांत होगा, विसंगति छोड़ेगा और तुम्हारी पूजा भी नहीं करेगा। समझ गए पूजा कौन सी? धुलाई सुटाई। हाँ या ना? अरे बोलो तो, उमें का बुराई है, बच्चों से तो बाप पिटते ही है। कलयुग का धर्म यही है। हाँ लाइए, आशीर्वाद मुकदमा पक्ष। हाँ जी,